हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक्निकल फन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप सब बिना नंबर और बिना ईमेल की फेसबुक अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपका मोबाइल का फेसबुक एप्लीकेशन या फिर जहाँ पर आप फेसबुक चलाते हो तो उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं फेसबुक लाइट यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर ही मैं फेसबुक चलाता हूँ, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आप जिसका नाम से फेसबुक बनाना चाहते हो तो उसका जो फर्स्ट नाम है यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं मेरा नाम को डाल देता हूँ। तो नाम को डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट नाम है, जो सर नाम है, उसको भी डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, होम बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं होम बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपका मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जिस ब्राउज़र को आप यूज़ करते हो। तो जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर साथ में लिखना है टेंथ मिनट मेल, ठीक है। उसके बाद फिर सास कर देना है। तो चलिए मैं सास कर देता हूँ। तो सास करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहला जो एक वेबसाइट है तो आपको इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो चलिए मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ईमेल दे जाएगा, तो आपको इस ईमेल को कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपका जो फेसबुक एप्लीकेशन है तो उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन अप विथ ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने जिस ईमेल को कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और ये आपका ईमेल नहीं है, वो जो वेबसाइट है वो ईमेल देता है, तो उसी का ईमेल है, ठीक है। तो चलिए मैं उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। आपको भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपका जो बर्थडे है तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं मेरा जो बर्थडे है तो मेरा बर्थडे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करके फिर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको बोलेगा आप लड़का हो या फिर लड़की। तो जैसे कि मैं तो लड़का हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर मेल पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है, जो आप फेसबुक का पासवर्ड देना चाहते हो। तो चलिए मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको वो जो वेबसाइट है उसको खोल लेना है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। तो खोलने के बाद फिर यहाँ पर एक मैसेज आएगा, तो आपको क्या करना है, ये जो 6 डिजिट का कोड है तो इसको आपको डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ, 2 बार आया था, तो लास्ट वाला जो है वही होगा 62348। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ फिर से 62348। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पर क्लिक करने के बाद अभी आप सब यहाँ पर देख सकते हो, फेसबुक अकाउंट बन चुका है, और वो भी बिना ईमेल और बिना नंबर के, मतलब कि जो ईमेल है वो फेक ईमेल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।